दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप बेसिकली किस तरीके से एटीट्यूड और इंटेंशन के लेवल पे आपका एक तरह से माइंडसेट होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक काम करना आपको कोऑपरेट करना स्टार्ट करें। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली किस तरीके से आपको उनके साथ डीलिंग करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए या किस तरह से उनको वैल्यू एडिशन करना चाहिए जिससे कि वो एम्पावर्ड फील करें और वो एक तरह से किसी दिन मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट रिसर्चर या इंडिपेंडेंट उनका थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके। तो क्या है वो तरीका, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो अब दो तरीके से जो है आप अपने जूनियर से काम करवा सकते हैं। एक तो उनको गधों की तरह ट्रीट करके, मजदूरों की तरह ट्रीट करके कि भाई मैंने ऐसे बोला है तो तू करके दे बस जो भी मैंने बोल दिया है। और दूसरा तरीका होता है कि आप उनके अंदर प्रैक्टिकली आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो और आप उनकी ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और आप उनकी ग्रोथ को देखते हुए आपको बहुत हैप्पीनेस या आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। अब एक इसका छोटा सा एग्जांपल मैं देके बताता हूँ कि वैल्यू एडिशन से क्या मतलब है। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे बहुत बेसिक सी चीज है, SGS-PAGE एक टेक्निक है जो कि प्रोटीन सेपरेशन में काम आती है। अब कोई मान लो स्टूडेंट आया है, उसे नहीं पता है SGS-PAGE उसने चलाया और लेट्स से कि कोई रिजल्ट ऐसे कुछ अजीब से आए हैं, कुछ मतलब जेल का फिगर मतलब पिक्चर सही नहीं आई है। तो अब एक तरीका तो क्या है कि मतलब एज एन एक्सपीरियंस गाय मैं उस जेल को देखूं, मुझे लगा अच्छा इसके अंदर शायद रिड्यूसिंग डाई का प्रॉब्लम होगा और मैं उसे बोलूं कि रिड्यूसिंग डाई का प्रॉब्लम है, तुम एक काम करो ऐसी ऐसी डाई बना दो काम हो जाएगा और वो सामने वाला कर दे। दूसरा तरीका थोड़ा पेशेंस वाला है और उसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इससे यह है कि इवेंचुअली उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होता है एंड द पर्सन फील्स लाइक कि उसने कुछ मतलब किया है, वो कर रहा है ना कि उससे कोई करवा रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ रिजल्ट आता है तो मेरा पहला जो एक तरह से तरीका होगा वो ये कि मैं सामने वाले को पूछूंगा कि मतलब व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया है। तो नेचुरली उसको एक तरह से पूरा उस टेक्निक का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नहीं होगा तो वो गूगल पे या कहीं भी जाके पढ़ेगा विल्सन वॉकर वगैरह और वहां से उसे कुछ कुछ समझ आएगा, फिर वो कुछ 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 पॉसिबिलिटी रखेगा कि मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर उन ऐसा हो सकता है उसकी मान लो 3 पॉसिबिलिटी है और मुझे तो पता है ना कि क्या वजह से ऐसा हो रहा होगा, तो उन बाकी की क्योंकि मुझे उसे डायरेक्ट करना है उस तरह के थिंकिंग में कि भाई किस तरह से बेसिकली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरीके से वापस उसे सॉल्यूशन तक पहुंचा जाता है। तो वो जो 3 पॉसिबिलिटी बताएगा तो उसमें से 2 पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी होगी जो मुझे पता होगा कि उसके अजम्पशन या इसकी ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम है, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो आई विल काउंटर देम और इवेंचुअली वो भी समझेगा कि हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है। तो अब जब पॉसिबिलिटी है, अगर ये रीजन है, समझ आ गया है कि इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो अब मैं उसको कहूंगा कि हाँ भाई तुम खुद ही जाके सॉल्यूशन निकाल के लो कि क्या हो सकता है। अगेन ही विल गो बैक टू और शी विल गो बैक टू द लिटरेचर और सर्च करेगा कि मतलब किस तरह से हो सकता है और वो खुद आएगा और बताएगा कि शायद हम ऐसे ऐसे करें तो हो सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर थोड़ा टाइम जा रहा है, थोड़ा डिस्कशन हो रहा है, तो सामने वाले को भी लगता है कि उसका वैल्यू एडिशन हो रहा है, सामने वाले को लगता है कि कोई मुझसे काम नहीं करवा रहा है बल्कि मैं खुद अपनी इच्छा से कुछ देख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद में आप वो मतलब खुद दूसरा जो SGS-PAGE चलाना पड़ जाए या तीसरा या पांचवी बार भी चलाना पड़ जाए वो बड़ी खुशी खुशी चलाएगा, वैसे ही सोचेगा कि ये तो इनका काम हो रहा है, वैसे सोचेगा तो मैं सीख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, उससे इंटरेस्ट आएगा। सो दैट्स द वे इट शुड बी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।